गाइस देखिए कितना अच्छा वेदर है यार, क्या क्लाउड्स निकले हैं। सो गाइस अभी मेरे साथ सीन क्या हुआ कि जब मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया तो मेरी रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं थी। देखते देखते मैं भी निकल गया, जून आ गया गाइस। आज है 1st June 2020 और आप देखोगे इसे 2nd June 2020 हो, क्योंकि मैं 1st तारीख को शूट कर रहा हूँ, आप 2nd को देखोगे। लेकिन अब मैं टाइम चेंज करने वाला हूँ गाइस, मैं अपलोड करूंगा वीडियो 10 बजे रात में। पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया सब आपको दिखाऊंगा और 10 बजे वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आपके पास टाइम बहुत है और आप वीडियो देख भी लोगे। सो गाइस अभी आया था मैं छत पे, देख सकते हो कितना अच्छा वेदर हो रहा है, लगता है आज शाम को बारिश आने वाली है। सो ही गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, लेकिन माय चैनल में सनूज ठाकुर। और गाइस एक बात और, अब से मैं रोज वीडियो अपलोड करूंगा गाइस। अगर मैंने रोज वीडियो अपलोड नहीं की मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइस कैसे विश्वास दिलाऊं मैं आपको। और गाइस 3 June से मटन शॉप चिकन शॉप सारी ओपन होने वाले हैं काफी दिनों के बाद। हाँ लाएंगे हम, वीडियो में आऊंगी ना तुम, ठीक है तुम ले लाऊंगा। हाँ दिखाओ दिखाओ, ये वाले कपड़े तो एक सी पहने। ओह ओह जी, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। वाह यार, ये ब्लैक ब्लैक नहीं है? हाँ ब्लैक है, देखो वाइट वाले हैं जी। हाँ हाँ कैसे बताएंगे, हाँ बता दो। हाँ एक और एक और एक और एक और एक और एक और, ये भी टॉफी, ये वाली चॉकलेट चाहिए आपको? हमें चार एक और एक और एक और एक, ठीक लाएंगे हम। देखो तो देखो नीचे एक और, हाँ देखो, हाँ एक और, हाँ देखो तो, हाँ एक और एक और, ठीक एक जे एक जे एक जे, ओके। हाँ देखा मोनी कहाँ है, मोनी वो गाइस देखिए कितना अच्छा वेदर है यार, क्या क्लाउड्स निकले हैं। देखिए गाइस कितना बढ़िया मौसम हो रखा है गाइस। ऐसे वेदर में टाइमलेस लेना तो बनता है, मैं मिस नहीं कर सकता, बहुत अच्छा। तो गाइस कैसा लगा आपको टाइमलेस, कमेंट करके जरूर बता देना। और गाइस ऐसे मौसम में मैं सोच रहा हूँ कि मैं छत पे ही आज वर्कआउट शुरू कर दूँ, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी हो रही है तो काफी अच्छा मौसम भी है। तो चलते हैं फटाफट डंबल लेने चलते हैं नीचे। सो गाइस डंबल ले आया हूँ मैं ऊपर, अभी वर्कआउट करता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मेरे साथ सीन क्या हुआ कि जब मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया तो मेरी रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं थी। आध घंटे के बाद वर्कआउट करके जब मैंने देखा तो देखा कि रिकॉर्डिंग मैंने ऑन ही नहीं की, सारी मेहनत बेकार गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। एनीवे गाइस, सो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।